हाँ पहुंच गया। हम लोग यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। असल में क्या है, इंदौर में इतना ज़्यादा किराया नहीं है। इंदौर में जो है ट्रैवलिंग का चार्ज मैक्सिमम जो सिटी बस चलती है उनका 20 या 25 रुपये, यानी कि दूरी के हिसाब से कितना भी दूर हो 25 रुपये से ऊपर नहीं है। और एक कोने से इंदौर के दूसरे कोने में, शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, एक कोने से दूसरे क्षेत्र में आराम से 25 रुपये में आदमी सिटी बस से अगर जा रहा है तो जा सकता है। और अगर उसके पास बस पास है और वो एडल्ट है तो, या स्टूडेंट है, एडल्ट तो खैर सभी हैं 18 से ऊपर है, पर अगर वो स्टूडेंट है तो उसको सिर्फ 200 रुपये पे करना होता है। और जितने भी एल्डर पर्सन हैं, एल्डर क्या, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो सभी का 200 रुपये ही है। सिर्फ मरण हम लोगों का है, लेकिन वो भी बहुत सस्ता है, 800 रुपये मात्र में पूरे महीने का पास बन जाता है। यानी कि वो 25 रुपये जो लग रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं, लगभग लगभग आधे हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ आए हैं एयरपोर्ट से, और ये हम सैफाबाद एरिया में हैं, हैदराबाद में, तो इतनी दूरी को हमको लगा कि शायद एक सिटी से कोई दूसरी सिटी में बुला रहे हैं फैज़ाबाद करके, पर पता चल रहा है कि हैदराबाद का ही एक एरिया है। और लगभग जो मान के चला जाए कि इंदौर जैसी जगह में एक कोने से दूसरे कोने का 25 रुपये, और यहाँ पर जस्ट 10 गुना 250 रुपये पर हेड हमको पड़ गया है। अभी जबकि हम सिटी के बीच के एरिया में लगभग दूसरे कोने में नहीं पहुँचे, पहुँचते तो हमारे लगता है खोपड़ी के बाल जो थोड़े थोड़े झड़ना शुरू हो गए हैं ना, साफ हो जाते। खैर हम लोगों को एक शौक लग गया बड़ा सारा सा आते से ही, और नहीं लगता कि मार्केट में जब जाएंगे तब हमें कौन सी चीज़ का क्या रेट सुनने को मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी ऐसी स्थिति बनी कि बड़ा, मतलब इंदौर को हम लोग बहुत महंगा शहर समझते थे एमपी में, कि भाई इंदौर है, बड़ा नाम है इसका, सब कुछ है, और ये बहुत महंगा है, छोटे शहर में थोड़ा कम पैसा लगता है, भोपाल में भी काफ़ी खर्चा हो जाता है, और वहाँ इंदौर के मुकाबले सुविधा कम है थोड़ी, और देखने में भी थोड़ा डल सा लगता है, कहने को तो राजधानी है एमपी की, मगर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इंदौर का जो भी है ट्रांसपोर्ट काफ़ी सारा बहुत अच्छा है, बहुत सुविधा है और आरामदायक है, एकदम ऐसा लगता है लग्जरी स्टाइल सारा कुछ सेट किया हुआ है। काफ़ी तारीफ करने की बात है, लोग आते भी हैं तो काफ़ी तारीफ करते हैं उन बातों की। परंतु उसके मुकाबले में अगर देखा जाए कि ये यहाँ तेलंगाना की बड़ी मशहूर सिटी है, तो देखा जाए पूरा 10 गुना इंदौर से ये महंगा मुझे दिखा है आज की तारीख में। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर मे बी के 20-25 किलोमीटर का अगर वो 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब जो भी है देखते हैं बाकी के दिन कैसे यहाँ कटते हैं। खैर होटल का स्टे तो हमारा जिस ट्रेनिंग के लिए आए हैं उनकी तरफ से है, तो उसका हमें कोई टेंशन नहीं है, डिनर आदि का कोई टेंशन नहीं है, लंच का टेंशन नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी यहाँ हैदराबाद में लोग हैं जो जानते हैं या जिन्होंने मेरा आईडी देखा है मोड़ेश्वरी कृपा, यूट्यूब के बारे में सुना है, चैनल के बारे में सुना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरा फर्स्ट लाइव है, तो जो लोग भी अगर यहाँ हैं वो मिलना चाहते हैं तो शाम 7 से 9 के बीच में मिल सकते हैं। और नहीं, पर्सनल पूछा कुछ नहीं दी जाएगी, सिर्फ बातचीत के लिए मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, इतना भाईचारे के लिए हम मैसेज ज़रूर छोड़ रहे हैं। यदि कोई मिलना चाहे तो मैसेज ज़रूर करें। और 11 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। आज का दिन तो आपको मैसेज मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता है, आपके पास 8, 9 और 10, 3 दिन आपके पास होंगे, आप चाहें तो मिल सकते हैं। जय मोरेश्वरी बोल बम।